अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण अपना घातक रूप दिखा रहा है। वहां के कई राज्यों में अस्पतालों के बेड और स्टाफ की कमी थी, लेकिन अब वहां ऑक्सीजन की कमी भी पड़ने लगी है। अमेरिका के फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, टेक्सास और लुसियाना जैसे राज्यों के कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने एक हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनी के सीनियर डायरेक्टर डोना क्रॉस के हवाले से बताया है कि आमतौर पर ऑक्सीजन टैंक को 90% तक भरा जाता है और अब टैंक में 40 से 50 ऑक्सीजन बची होती है तो उसे दोबारा भरा जाता है। इतनी ऑक्सीजन 3 से 5 दिन के लिए काफी है, लेकिन अभी हो ये रहा है कि टैंक में जब 10 से 20% ऑक्सीजन बचती है तो उसे दोबारा भरा जा रहा है। इससे सिर्फ 1-2 दिन की सप्लाई ही बचती है। क्रॉस इसे गंभीर स्थिति बताते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक फ्लोरिडा के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उस दिन हर 1 लाख आबादी में से 75 मरीज अस्पताल में भर्ती थे। फ्लोरिडा के जुपिटर मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अहमद एलादाद ने CNN को बताया, हम लोगों को मरता देखकर थक गए हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट मरीजों के फेफड़ों को खा रहा है, इससे लोग मरते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की मौत जल्दी हो रही है। डॉक्टर अहमद एलदादाद बताते हैं कि उनके ICU में जितने भी कोरोना मरीज भर्ती हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने वैक्सीन ली हो। उनका कहना है कि वैक्सीन कोई जादुई दवा नहीं है, लेकिन इससे मौत रुक रही है। वहीं अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने बताया है कि अमेरिका में दिसंबर तक कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौतें होने का अनुमान है, लेकिन हम इन्हें रोक सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि हम इस अनुमान को बदल सकते हैं कि अगर हम जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगा देते हैं। अमेरिका में अब भी 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें योग्य होने के बाद भी अब तक वैक्सीन नहीं ली है। बच्चों में भी बढ़ा संक्रमण। अमेरिका में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों में भी बड़ी संख्या में हैं। ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर एस्था चू ने CNN को बताया है कि अमेरिका में कई जगह स्कूल खुल गए हैं जहां बच्चे बिना मास्क पहने जा रहे हैं। मास्क और वैक्सीनेशन का विरोध हो रहा है, जबकि यही स्कूलों में हमारी बच्चों को सुरक्षा रखेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अभी सभी स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन जल्द ही सभी स्कूल खुल सकते हैं। अभी 12 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीन भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और बच्चों की मौतें भी आम हो जाएंगी। डॉक्टर फॉसी बताते हैं कि हमारे लिए ये नया नहीं है। देश के कई स्कूलों में, खासतौर से सरकारी स्कूलों में, जरूरी है कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो उन्हें पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस के टीके जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं उन्हें वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।